आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एगमेंटेन मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन किन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हमारे जिस्म के ऊपर इसके क्या साइड इफेक्ट जाहिर होते हैं, एक दिन के अंदर कितनी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए और लास्ट में कुछ प्रिवेंशन की बात करेंगे। एगमेंटेन का फार्मूला नेम को एमैक्सिक्लेव है। एगमेंटेन के अंदर अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होने की वजह से एगमेंटेन को मुख्तलिफ बीमारियों को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी के अंदर किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को कम करने के लिए एगमेंटेन का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस, सांस की नाली के अंदर इन्फेक्शन, नमूनिया, बुखार, साइनोसाइटिस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, चाप की नाली के अंदर इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को और किसी भी वाउंड या जख्म को कम करने के लिए भी अमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन, बाज औकात सीने के अंदर बगलम और इन्फेक्शन हो जाता है, इसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस की वजह से सांस की नाली के अंदर इन्फेक्शन होता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी एगमेंटेन का इस्तेमाल किया जाता है। इनके ऊपर रैशेज, एक्नी और एक्जिमा जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एगमेंटेन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन शामिल होते हैं। अगर आपको किडनी इश्यूज हैं या किडनी प्रॉब्लम्स हैं या आपका लीवर का कोई इश्यू है जिसको जंडिस यरकान कहा जाता है या हाइपेटाइटिस ABC, ये तमाम कंडीशन में एगमेंटेन इस्तेमाल नहीं की जाती। अगर आपको कोई एलर्जी प्रॉब्लम्स हैं तो भी आप एगमेंटेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एगमेंटेन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप डायलिसिस के पेशेंट हैं तो भी आप एगमेंटेन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एगमेंटेन मेडिसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसलिए इसको 24 घंटे के अंदर एक टेबलेट इस्तेमाल की जाती है। अगर आपकी कंडीशन सवेर है तो इसको 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, हर 12 घंटे के बाद एक टेबलेट इस्तेमाल की जाती है। आप ट्राई करें कि एगमेंटेन की स्मॉल डोज इस्तेमाल करें, हाई डोज रिकमेंड नहीं की जाती। साइड इफेक्ट, एगमेंटेन के गलत या ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट जाहिर होते हैं। पेट के अंदर शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और स्किन रैशेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनके ऊपर दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और स्किन इन्फेक्टेड हो जाती है, गला सूज जाता है, एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए एगमेंटेन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। हमारी स्किन और आंखें पीली पड़ जाती हैं, ये एगमेंटेन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।